अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर तीखी आलोचना का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन वहां से अपने नागरिकों और सहयोगियों को बाहर निकालने में हो रही दिक्कतों के बारे में शुक्रवार को बयान दे सकते हैं। इससे पहले बाइडन ने अचानक तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लेने से पहले सहयोगियों को बाहर निकालने में अमेरिका की विफलता के लिए अफगानों को दोषी ठहराया था। अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी राजनयिकों ने औपचारिक रूप से कई हफ्ते पहले ही आग्रह किया था कि बाइडन प्रशासन लोगों की निकासी के प्रयासों में तेजी लाए। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की अमेरिका की 31 अगस्त की समय सीमा से पहले 1000 लोगों को अभी निकाला जाना बाकी है।